छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बलौदाबाजार हिंसा में कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिन भर के हाई वोल्टेज सियासी ड्रामे के बाद पुलिस ने गिरफ्तारी की है। इस दौरान पुलिस की समर्थकों के साथ जमकर झड़प भी हुई। आपको बता दें कि बलौदाबाजार पुलिस भिलाई विधायक देवेंद्र यादव के घर पहुंची थी। उनके घर के बाहर समर्थकों की भारी भीड़ मौजूद रही। पहले पुलिस को अंदर नहीं जाने दिया गया। इसके बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज भी उनके आवास पर पहुंचे। दीपक बैज, अरुण वोरा समेत कई नेताओं के आने के बाद पुलिस अफसरों के करीब 2 से 3 घंटे बातचीत चली, जिसके बाद पुलिस ने देवेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया है और बलौदाबाजार लेकर रवाना हो चुकी है। जनता पार्टी के नेता मंच से लेके पूरे कार्यक्रम में शामिल थे। भोजन व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के नेता किए, टेंट का व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के नेता किए, उनके लिए एक नोटिस भी नहीं और हमारे विधायकों पर नोटिस टू नोटिस। लेकिन निश्चित रूप से ये होगी, सच्चाई की जीत होगी और न्याय मिलेगा और निश्चित रूप से हम इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे और पूरी कांग्रेस पार्टी देवेंद्र यादव के साथ खड़ी है। तो कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी हो चुकी है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा, पुलिस अपना काम कर रही है। बलौदाबाजार में जो हिंसा हुई है उसके बाद विधायक देवेंद्र यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हमारे साथ है गृह मंत्री विजय शर्मा जी, उनसे चर्चा करेंगे। देवेंद्र यादव को गिरफ्तार करके पुलिस ले गई है, काफ़ी हंगामा हुआ, समर्थकों ने भी उनका हंगामा हुआ है। मुझे नहीं मालूम है, मैं और स्पष्टता करता हूँ, इसमें पता करता हूँ, परंतु जो भी है सहयोग करना चाहिए पुलिस का। और पुलिस ने बड़े दिनों तक शायद जाँच की है और बड़ी घटना भी थी और हम लोगों ने तो साधारण फोटो वगैरह देखा था, लेकिन पुलिस की जांच में शायद उनको कुछ मिला होगा इसलिए किया होगा। आप लोग न्यायिक जांच की बात कर रहे हैं, कई गिरफ्तारियां भी हुई, उसके इतर जो है कांग्रेस लगातार विरोध करते नजर आ रही है और इस पे प्रदर्शन की बात भी कह रही है कांग्रेस। नहीं भाई, कलेक्ट्रेट को जलाया गया, SP कार्यालय को जलाया गया और छत्तीसगढ़ के कुल मिलाकर जो सीरत छत्तीसगढ़ की है उसको धूमिल करने की कोशिश की गई। तो ऐसा करने वाले के समर्थन में हैं क्या? जो भी होंगे, मैं नहीं कह रहा हूँ XYZ जो भी होंगे, ऐसे करने वाले के समर्थन में थोड़े हैं। और इसमें भी जो भी है पुलिस को जांच में सहयोग करना चाहिए। तो ये थे गृह मंत्री विजय शर्मा, जिन्होंने साफ कहा है कि पुलिस को जांच में सहयोग करना चाहिए क्योंकि पुलिस कार्रवाई कर रही है और जो भी दोषी है उन पर सख्त कार्रवाई होगी। कैमरामैन राजेंद्र के साथ आकाश शुक्ला, News 18 रायपुर छत्तीसगढ़। देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी पर बघेल का बयान आया है। पुलिस राजनीतिक दबाव में काम कर रही है, ऐसा बघेल का कहना है। बीजेपी से जुड़े एक भी नेता से पूछताछ नहीं हुई, राजनीतिक साजिश में ये गिरफ्तारी की गई। सुनिए उनका क्या कहना है। बलौदाबाजार की घटना को लेकर आज विधायक साथी भाई देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी हुई है। इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस की जो भूमिका है, सरकार की भूमिका बेहद संदेहास्पद रहा है। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े एक भी नेता से न पूछताछ की गई न उसकी गिरफ्तारी हुई। वीडियो विजुअल में जो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, देवेंद्र यादव न मंच में गए थे न वहाँ ज़्यादा देर रुके, लेकिन उसे पुलिस बुलाई उस बयान के लिए और उसके घर में जाके अभी गिरफ्तार किए हैं। बहुत सारी धाराएँ लगाए हैं। पुलिस से मैं यही कहना चाहता हूं कि ये दुर्भावनावश या दबाव में आकर, राजनीतिक दबाव में आकर कार्रवाई उनको नहीं करना चाहिए। कुल मिलाकर
लगातार कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये राजनीतिक साजिश है और जो देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी हुई है ये गलत हुई है। रायपुर से आकाश हमारे साथ है और दुर्ग से मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, अगर बात करें देवेंद्र यादव की तो यहां से पुलिस उन्हें लेकर रवाना हो चुकी है, अभी माहौल वहां पर कैसा है, क्या अब भी आक्रोश है समर्थकों में? देखिए, अभी कुछ देर पहले मतलब करीब 5:30 बजे के आसपास उनकी गिरफ्तारी हुई है। उस दौरान समर्थकों में काफ़ी आक्रोश देखा गया था क्योंकि वे सुबह से डटे हुए थे और नारेबाजी भी कर रहे थे, देवेंद्र यादव को हौसला बढ़ा रहे थे। वे कह रहे थे कि कुछ भी हो न्याय के साथ वे खड़े हुए हैं, उनके साथ वे खड़े हुए हैं, और यही वजह थी कि शाम तक कार्यकर्ता डटे रहे थे। उसके बाद जैसे ही गिरफ्तारी हुई कार्यकर्ताओं का थोड़ा आक्रोश तो जाहिर था कि उनके नेता को गिरफ्तार किया जा रहा है, ऐसे ही आक्रोश देखने को मिला। 5:30 बजे जब गिरफ्तार करके पुलिस उनको बाहर लेकर आई, उस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर अपना आक्रोश प्रकट किया, लेकिन विधायक देवेंद्र यादव कार के ऊपर में चढ़े हुए संविधान की पुस्तक हाथ में रखे हुए थे और साथ ही एक झंडा पकड़े हुए थे जो घासीदास बाबा का था। तो कुल मिलाकर यह कि उन्होंने ये स्पष्ट किया, वो ये संकेत दे रहे थे कि उनकी न्याय की जीत होगी और वे समाज के साथ में है, किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। और जब यहां से गुजरे तब जगह जगह उनका जो पुलिस है उसका विरोध किया जा रहा था, लेकिन पुलिस उनको लेकर रवाना हो गई है और कुछ देर के बाद में वो संभवतः वो बलौदा बाजार पहुंचेगी, उसके बाद में आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कल यदि बात किया जाए तो कल जब उनको नोटिस मिला था देवेंद्र यादव को, तो उन्होंने ये कहा कि दुर्भावनावश ये कार्रवाई की जा रही है, लगातार जब वे व्यस्त रहते हैं उसी दौरान पे उनको नोटिस दिया जाता है ताकि वे वहां पर मौजूद ना हो सके। और वैसे ही हुआ कि कल उनको उपस्थित होने के लिए कहा गया था, उसके पहले ही उनको सुबह ही पता चला कि उनको नोटिस मिला है, तो वे शाम तक कैसे पहुंचते, तो इस वजह से वे वहां नहीं पहुंचे। इसी मैंने करीब 15 दिन के भीतर में या 1 महीने के अंदर में उनको 3 नोटिस मिले, उनका यह कहना था। इसके तरह करीब 6 नोटिस उनको प्राप्त हुए थे, उनका यह कहना था कि पुलिस को उन्होंने बयान दे दिया है बावजूद उसको उनको तंग किया जा रहा था, ऐसी तमाम बातें थी जो उन्होंने कही थी। लेकिन कल की घटना के बाद में आज सुबह ही पुलिस आ धमकी और सुबह से ही लगातार कार्रवाई की जा रही थी। पहले तो पुलिस जो है वो घर के बाहर रही, लेकिन कुछ देर के बाद में पुलिस अंदर प्रवेश कर गई और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही थी या संभवतः बातचीत की जा रही थी, लेकिन 5:30 बजे करीब उनको गिरफ्तार किया गया और उनको लेकर पुलिस निकल चुकी है। जी ठीक है मिथिलेश, अभी तो पुलिस वहां से निकल चुकी है, लेकिन आकाश अगर बात करें तो रायपुर में सियासत काफी ज्यादा तेज हो रही है इस पर, और एक तरफ जहां कांग्रेस का यह कहना है कि राजनीतिक तरीके से साजिश है, तमाम चीजें कांग्रेस तरफ से की जा रही है, तो बीजेपी का यह कहना है कि जिसने गलती की है उसको सजा तो मिलेगी। जी बिल्कुल, बीजेपी का और सरकार का भी यही रुख है कि दोषी पर कार्रवाई होगी और सजा मिलेगी। दरअसल ये पूरे घटनाक्रम को समझना जरूरी है कि बलौदाबाजार में जो हिंसा हुई है, कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालय को फूंक दिया गया था, आग के हवाले कर दिया गया था, सैकड़ों गाड़ियां जला दी गई थी, सरकारी संपत्ति का नुकसान किया गया था, इसमें जांच न्यायिक जांच की मांग पर जो है सरकार ने न्यायिक जांच के निर्देश दिए थे, उसके बाद पुलिस जांच शुरू हुई, न्यायिक जांच शुरू हुई, इसमें कई नाम सामने आए, उसमें विधायक देवेंद्र यादव का नाम था, इसमें विधायक देवेंद्र यादव को नोटिस दिया गया था, उन्हें पुलिस ने बुलाया पूछताछ के लिए, और इस तरीके से जो है पुलिसिया कार्रवाई कर रही थी। लेकिन आज जिस तरीके से भिलाई में जो घटना देखने को मिली है वो एक तरीके से राजनीतिक स्टंट के जैसा नजर आ रहा था कि पुलिस पहुंच रही है, उसके बाद कार्यकर्ता एक तरीके से पुलिस कार्रवाई को रोकने का प्रयास करते नजर आए सीधे तौर पे, जबकि पुलिस साफ तौर पे इसमें कह रही थी कि वो पूछताछ करने के लिए ले जा रही है, उसके नोटिस भी दिया गया था। एक तरफ कांग्रेस जब कह रही है कि इसमें राजनीति चल रही है और दोषियों पर जब वो भी कार्रवाई की बात कह रही है तो इसमें कोई किसी को भी वो पुलिस का सहयोग करना चाहिए, इस तरीके से बीजेपी का कहना है। लेकिन आज जो घटनाक्रम नजर आया, सियासत एक तरीके से प्रदेश में गर्म हो गई क्योंकि वहां पर कार्यकर्ता लगातार डटे हुए थे और पुलिस के कार्रवाई में एक तरीके से बाधा पहुंचा रहे थे। हालांकि कुछ देर बाद जो है विधायक को पूछताछ के लिए जो है पुलिस ले गई अपने साथ हिरासत में लेकर, अब आगे की कार्रवाई जो भी हो रही, सरकार का स्पष्ट इसमें रुख है कि किसी भी निर्दोष के ऊपर जो है वो कार्रवाई नहीं हो रही है, पूछताछ की जा रही है जो मामले में संलिप्त है। क्योंकि उस समय जब सतनामी समाज का सभा हो रहा था बलौदा बाजार में, तो उस समय मंच पर जो है विधायक देवेंद्र यादव देखे गए थे, इसके साथ ही उन पर आरोप लगा था कि इतनी भीड़ के लिए उन्होंने खाने की व्यवस्था की थी, साथ ही
थी, जो तमाम और लोगों पर भी आरोप लगा था, तो सबसे बारी बारी पूछताछ की जा रही है। ऐसे में ये पुलिस की कार्रवाई है, देखना होगा कि इसमें आगे और किस तरीके से। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी कि आगे ये जो पूरी गिरफ्तारी हुई है उसको और इसको लेकर क्या कुछ कहा जाता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही जानकारी साझा करने के लिए। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर से रेप